अब जिस ड्रामे का तस्करा करेंगे उसका नाम है अखाड़ा, चैनल है ग्रीन टीवी एंटरटेनमेंट, प्रोडक्शन है मल्टीवर्स एंटरटेनमेंट, डायरेक्टर है अंजुम शहजाद, डीओपी है समीर हमदानी, राइटर है शाहिद डोगर और कास्ट में शामिल है फरोज खान, सोनिया हुसैन, वसीम अब्बास, शमून अब्बासी, यासरा रिजवी, नजरुल हसन, इरम अख्तर, निदा मुमताज और सारा असगर, काशिफ हुसैन, हिना अफरीदी और हिना अफरीदी भी हैं। तो एपिसोड 1 और 2 का रिव्यू करेंगे और मरीना जी आपसे स्टार्ट करेंगे। सो आई एंजॉयड इट, आई लाइक द थीम और आई थिंक ग्रीन चैनल से हम ये तो एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे थीम्स जो हैं वो बिल्कुल डिफरेंट होंगे। रेसलिंग के ऊपर मैंने अभी तक कोई ड्रामा नहीं देखा, इंटरेस्टिंग है, आई होप उसके इन्स एंड आउट्स और क्या होता है, जैसे वो शुरू में वसीम अब्बास बादाम को क्या कहते हैं वो पीस क्या रहे हैं, हाँ पीस रहे थे, सो आई डिडंट नो व्हाट इट वाज, आई थॉट मे बी इट्स जस्ट फ्लावर एंड आई थिंक ये क्यों कर रहे हैं, बट वो उसके लिए कर रहा था, अपने बेटे के लिए कर रहा था। सो आई लाइक दैट, आई लाइक द, आई डिड नॉट लाइक द कॉलेज वाला हिस्सा, वो मुझसे हजम नहीं हुआ। आई लव द गांव देहात के सारे सीन्स, द होल स्टोरी एंड ऑल दैट, द कॉलेज पार्ट वाज, मुझे लग रहा था थोड़ा सा एक फोर्स फिट आ रहा है इसमें, लेकिन ऑब्वियसली आगे जाके दोनों मर्ज होंगे। मुझे थोड़ा सा आई थिंक कास्टिंग में वहाँ आई फेल्ट देर इज़ समथिंग इज़ ऑफ अबाउट दैट, आई वॉजंट कन्विंस्ड अबाउट द गाय जिसने उसका हाथ पकड़ा सोनिया का, कि वो क्यों, यू नो इट वाज जस्ट टू फोर्स, वो पूरा सिचुएशन वाज जस्ट टू फोर्स एंड आई डिडंट एंजॉय इट एट ऑल, बट हाँ वो बिलीवेबल नहीं था, नहीं वो ऐसे ही था। And, अगर तुम उस कॉलेज में पढ़ते हो तो पता है कि उसका बॉयफ्रेंड कौन है, एग्जैक्टली मतलब तुम जानते ही होगे ना, जारी मतलब फेमिलियर होते हैं, ऐसे थोड़ी है आप किसी को रोक कर, आपको कोई प्लान ही नहीं हो रहा, आपने एक ऐसी लड़की को छेड़ रहे हैं, वो भी इतने अजीब तरीके से कॉलेज में, एग्जैक्टली कॉलेज में ऐसे कोई किसी को, वही मैं कह रही हूँ कि जैसे द पुलिस वाला कहेगा अगर आप रोज उसके साथ गाड़ी में जाते हैं, हम देख भी नहीं सकते कौन कहता है ये, यू नो आई, यस रात के वक्त जब एक टाइम था व्हेन एवरीवन वाज वेरी स्कैर्ड ऑफ द पुलिस एंड दे यूज्ड टू आस्क फॉर द निकाह नामा एंड ऑल, लाइक एंड आई कैन अंडरस्टैंड दैट कभी कभी बदतमीजी हो जाती है, लेकिन दिन दिहाड़े में आई मीन लाइक यू नो, सो दिस ऑल्सो आई फील दैट इट जस्ट वॉजेंट अ वेरी बिलीवेबल, ये पार्ट नहीं था, लेकिन वो मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बड़े भाई का रोल बहुत अच्छा लगा जो रेसलर हैं, उनका जो रोमांस है विद द गर्ल, आई थॉट दैट वॉज वेरी नाइस, इट वॉज वेरी क्यूट, ऑफ कोर्स दैट आई थिंक ये वाइट ट्रैक था जो इंटरेस्टिंग था, जो ये उस लड़की का वो जो और ये जो उसका भाई था, एंड ऑफ कोर्स हम जब स्क्रिप्ट वगैरह की बात करेंगे, बट इट वॉज जस्ट विजुअली इट्स इंटरेस्टिंग, इट्स डिफरेंट, माइनस द होल कॉलेज सीक्वेंस, सो इमोजी दिखा दें, गिव इट ए 1 थम्स अप, वेरी गुड नादिया। अंजुम शहजाद का जिंदों के बाद ये अगला ड्रामा हम देख रहे हैं ग्रीन पे इनकी बड़ी अच्छी पार्टनरशिप हो गई, अच्छे ड्रामास बना रहे हैं, ये ड्रामा जब 22 कदम भी तो था, 22 कदम भी, हां 22 कदम भी, इडियट भी था, इडियट अंजुम थे, अंजुम वो हमने देखा नहीं, वो हमने रिव्यू नहीं, अच्छी पार्टनरशिप है ये ड्रामा, इसकी सबसे अच्छी बात है ऐसा ड्रामा कभी मैंने तो नहीं देखा, मेरे से जो मैंने हर्ट संभाला उससे पहले का हो तो पता नहीं, लेकिन हर्ट संभालने के बाद से तो मैंने नहीं देखा कि कुश्ती पहलवानों पे इतना ज़बरदस्त ड्रामा बनाओ, तो इसके ही क्रेडिट इनको जानता है कि बहुत ज़बरदस्त है, इसकी फिल्में बॉलीवुड में करोड़ों का बिजनेस करती हैं, तो हमारे यहाँ क्यों नहीं अभी तक बना, पहलवानी में तो हम मास्टर हैं, कितनी सैड बात है, सोचो हमारे ड्रामे नहीं बनते इस पर, तो अब बना है, बड़ा मज़े का जो फाइट के सीक्वेंस हैं बहुत अच्छे हैं, और ये मेरे लिए जो मैं ड्रामा जिसकी वजह से देख रही हूँ और देखूंगी, इस फराज फरूकी एंड वसीम अब्बास एक्सट्रीमली एंटरटेनिंग, फराज लग रहा है भाई पहलवान, क्या एक्टिंग की है उस लड़के ने, और साथ में इवन द दस्तगीर गाए वो भी बड़े ना लगता है ड्रोनी सा पहलवान आएगा मारेगा तो पता नहीं क्या होगा, तो ये अंजुम शहजाद के फुल मार्क्स हैं, जितने फाइट के सीक्वेंस हैं घर के सीक्वेंस हैं ये, लेकिन 2-3 चीज़ें गड़बड़ हैं वाकई, कॉलेज कि जितने भी सीन्स आए मुझे नहीं अच्छे लगे, वो लगता है कि कोई और डायरेक्टर है या कोई और ड्रामे का आ गया है, ये वो ड्रामा नहीं लग रहा है, विजुअल्स कलर्स सब कुछ बदल सा जाता है, लगता है कोई और ड्रामा शुरू है, लग नहीं रहा कि वो कोई और ड्रामा है, आपने रुस्तम की
इतनी हसीन आंखें नहीं देखी जो अरे पागल उसने लंग्स लगाए हुए आंखों पे लंग्स हैं उसके और बहुत खौफनाक नीले लंग्स मुझे तो समझ ही नहीं आती हीरो अनलेस के कोई जरूरत हो बहुत खास जिंदगी मौत के सवाल हो आप उसको लेंस ना लगाएं और ग्रे तो लड़की से हजम नहीं होते नीले आदम मेरे टीवी पे ब्लू थे अच्छा मेरे ग्रे ब्लू ही आ रहे थे ग्रे ब्लू थे किसी लड़के के ऊपर तो ना वो लेंस अपनी आंखें तो और बात है तब भी नहीं वो सच्ची लगती ये तो झूठी थी तो इतनी बुरी लग रही थी तो मुझे लंग्स ही थी वो लंग्स नहीं थी तो उसकी वजह से मुझे लग रहा है ना गड़बड़ हुई है कास्टिंग में मुझे यहाँ इसकी लड़की बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है ये मुझे वीक लग रहा है इतना अच्छा एक्टर है ये बहुत अच्छा एक्टर है आई नो मैं जब उसको देखा आई वाज वेरी हैप्पी टैटू भी देखे ये वो जब वो भूलने लगा ना डायलॉग में सूट नहीं कर रहा मजा नहीं आ रहा वो अथॉरिटी नहीं है हीरो वाली और फाइटर वाली और सोनिया सेश्क वाली मजा नहीं आया भाई और फिर लंग्स और लेंस ने बहुत खराब किया मामला मुझे समझ नहीं आ रहा कि अंजुम ने उसको कहा होगा अंजुम शहजाद ने पहनो लंग्स लेंस या उस लड़के की पहनो लंग्स उसने उसको बुलाया देखो सबसे पहले लंग्स तुमको लंग्स पहन वो उस कैरेक्टर में मुझे उसके बाद मैचिंग करोगे कुछ डिफरेंट करते हैं यार इसको लंग्स लाओ इसको नए लंग्स लगा के देते पुराने लंग्स काम नहीं कर रहे इनका कुछ वेरिएशन देते हैं इस बार तो वेरिएशन अंजुम को तो मैं फोन करके कहूंगी ये लेंस अभी कर देती हूँ ये लंग्स का आइडिया किसका था तो उसकी वजह से वो कैरेक्टर डैमेज हुआ ठीक है नंबर वन नंबर टू मुझे फिरोज जिसका मुझे इतना पसंद है कहा मुझे फिरोज नहीं समझ आ रहा इसमें मुझे फिरोज का एक्सेंट जो वो पंजाबी बोल रहा है नहीं समझ आ रहा मज़ा नहीं आ रहा समहाउ ही इज़ वेरी गुड एक्टर वो हम उस पर बात नहीं कर रहे लेकिन इस कैरेक्टर में इस एक्सेंट के साथ जो भी उसने बनाने की कोशिश की है वो कुछ अजीब लग रहा है इम्पैक्ट नहीं आ रहा उसका एकदम गिर रहा है तो इसलिए सारा फोकस इज ऑन फराज सुल्तान भाई मैंने कहा अगर इसको मारा ना इन्होंने दस्तगी ने अगर इसको मार दिया इस एपिसोड में मैं तो नाराज हो जाऊंगी लेकिन शुक्र है नहीं मारा वो जीत गया साथ में रुस्तम की जिसकी लेंसेज हैं उसकी अम्मी का मेकअप भी मुझे समझ नहीं आ रहा अम्मी किसको डराने के चक्कर में ऐसी अम्मी तो नहीं होती हालांकि अम्मी ने लंग्स भी नहीं लगाए नहीं ऐसी अम्मी होती भी नहीं है अच्छा पहले जब ये आई ना मैंने कहा नेगेटिव कैरेक्टर है वैम्प है किसकी अम्मी उसके बाद मैं देखा तो प्यारी प्यारी रुस्तम की माँ वैसे तो प्यारी प्यारी बातें कर रही इवन जब बेटे को प्यार भी कर रही है लगता है अभी इसको बेटे को मार देगी इतना हार्श मेकअप इतना डार्क मेकअप प्लीज ये ऐसी माएँ नहीं होती गाँव में वो भी ऐसी नहीं होती माएँ माओ पे इतना मेकअप के साथ प्यार नहीं आता ममता खत्म हो जाती है प्लीज अगर चाहते हैं ममता वाली माँ ड्रामे में रखी है तो उनका मेकअप हल्का करें तो वेरी डार्क और सोनिया का भी अगर वो सोनिया का गिरने का बहुत ही भोंडा रीजन था बहुत बुरा था अंजुम शहजाद क्या किया तुमने मतलब मैं समझी कि शायद वो अच्छा ऐसे जो मोमेंट पे ना लड़की को स्लिप होना चाहिए ये तो बैग को खींच के लेके जा रहा और फिर उठी नहीं बहुत देर तक नहीं इट इज नॉट पॉसिबल कि मैं रोमांस मैंने अरे व्हाट इज रॉन्ग विद योर पीपल अच्छा अगर मैं ना 10 दफा भी इस चीज को रीएनएक्ट करूं कि कोई बैग खींच के लेके जाए अच्छा बैग वो लेके गया इधर साइंटिफिकली मैं इस तरफ कैसे गिरूंगी कैसे किसी ने मेरे लेफ्ट बाजू से बैग लिया तो मेरा झटका उधर आएगा ना उसने टर्न उससे वो घूमी है यूं करके ट्विस्ट करके नहीं हो सकता सॉरी आई एम नॉट बाइंग दिस तो वो नहीं buy the lungs, but won't. I don't buy this. उसका गिरना एक बड़ा प्यारा मोमेंट था लेकिन एक बड़ा बुरी वजह से गिरी और बड़ा फेक गिरी और जब गिरी मैं मतलब क्यों गिरी तो ये आधा पार्ट इसका बहुत मजे का है कुश्ती वाला सारा बट जो ये वाला पार्ट है नहीं मजा आ रहा तो आधा आधा ये है मेरे लिए ड्रामा आधा ये दिखा All right. क्योंकि इसमें दो ट्रैक्स चल रहे हैं तो वो जो सोनिया और उसके नीले आंखें वाला दोस्त और उसकी अम्मी है लंग्स वाला हाँ लंग्स उसके लिए ये है और वो जो कुश्ती का सीक्वेंस है कुश्ती के सारे सीन्स हैं अमेजिंग ये चलें जी नॉट बैड रुबीना जी सो बात मजे की थी इंटरेस्टिंग थी नाम बहुत अच्छा है अखाड़ा और लग ही रहा था प्रोमोज से और पिक्चर से देख के कि ये कुछ एक ऐसे खानदान की बात करें जो कुश्ती के साथ रिलेटेड है सो एंड देन देयर वर एक्टर्स हु वर वेरी कंपेलिंग फोर्स जैसे कि नज़र है वसीम अब्बास साहब हैं और फिरोज है मेरे लिए ये तीन बहुत बड़ी फोर्स थे और मुझे वैसे पहली दो एपिसोड्स में यही तीन लोग ही ज़्यादा नज़र आए हैं
एज नादिया ऑल्सो सैड एंड शी मरीना ऑल्सो सैड, शहर वाला ट्रैक थोड़ा ऑफ था, मुझे वहाँ की कास्टिंग भी समझ नहीं आई बहुत हद तक, और इस घर के लोगों के अलावा मुझे कास्टिंग ज़रा सी नज़र के अलावा बाकी लोग समझ नहीं आए, बट हो सकता है आगे जाके कोई उनकी लॉजिक बन जाए और वो हमें ठीक अच्छे लगने लगे मे बी बाई डिंट ऑफ देयर परफॉर्मेंसेस. जो मेजर गलत चीज़ें थी कुछ वो यही थी कि शहर वाले ट्रैक में कोई ध्यान नहीं दिया हुआ था, थोड़ा फेक था, लड़ाई हुई और लड़ाई में नाक टूटी और ऐसे लग रहा था कि शायद वो लड़का मरने वाला है. बिल्कुल, बहुत लड़कों की लड़ाई में तो नाक टूटना सबसे माइनर इंजरी होती है बिकॉज लड़के टारगेट ही नाक को करते हैं ना जब एक दूसरे से लड़ाई करते हैं, और फिर वो जब टूट जाती है तो फिर दूसरा बंदा रुक जाता है. फिर एक जगह थी जहाँ बहन खाना दे रही है अपने भाई को और वो कोई तीन रोटी के बाद और रोटी मांगता है, वो तो पहलवान है, पहलवान तो मशहूर ही अपनी खुश खुराकी की वजह से होते हैं, अपनी खुराकों से मशहूर होते हैं, तो और बहुत अरसे से पहलवानी करा और इस लड़की का तो बाप भी पहलवान था और इसका दादा भी पहलवान था, तो राइटिंग में ये कैसे जाने दिया किसी ने कि वो लड़की तीसरी रोटी पे कहने लगी कि इतनी रोटियां तो आज क्यों खा रहे हो. हाँ, वो तो तीन के बाद फिर पांच अम्मी ने कहा था कि अम्मी दो और भेज रही हैं, तीसरी पे ही शायद उसने पांच पे इसने कहा था, फिर अम्मी ने सातवीं नहीं अम्मी नहीं अम्मी ने पांच बाद में अम्मी दो भेज रही थी. सो वो थोड़ी यू नो अच्छी जगह और बुरी जगहों का मिक्स था, लाइक द इमोजीज दैट शी showed. It was a mixture of emotions. I like the idea. I like the authenticity of the subject. I like the cast. Firoz मुझे अच्छा लग रहा है, खास तौर पे आखिरी वाले सीन में. म्यूजिक मुझे तंग कर रहा है क्योंकि सब कुछ एक साथ डाल दिया, पहले एक मोहब्बत का गाना डाला फिर उसके बाद एक रैप डाल दिया. रैप वॉज फाइन बट उससे पहले जो एक पंजाबी का सा गाना डला था वो बहुत जल्दी था, है ना, मतलब अभी तो लोग मिले हैं तुम लोग गाना ही डाल देते हो पहले ही ऊपर से ही, मतलब के ज़बरदस्ती मोहब्बतें करा रहे हो. इतनी जल्दी कोई ज़रूरत नहीं थी, चलने दो कहानी को थोड़ा सा. I think I'll go with what she did. It's both the emojis for me. न्यू ऑप्शन आई है ये क्या ड्रामा है पसंद आई यस नो जब आठ अंगूठे आ सकते हैं कैन यू इमेजिन अगर हम एक दो करें और एक ये करें. मरीना जी ने आठ अंगूठे दिखाए हैं इस पे तो हम दो दिखाएंगे इमोजी दिमागी हालत पे शक होगा है ना ये वाला गोविंद वान. अच्छा जी राइटिंग की बात कर लेते हैं और राइटर है शाहिद डोगर. मरीना जी I didn't mind the writing. I liked some aspect of the writing. I think the story has a flow. I think I'm sure even the Sheher ki kahani, the reason why this guy is thoda sa garam aur uska dimag thoda sa kharab hai is because he loves this girl and all. I think all of that is going to come in play aage jaake because obviously takkar hoga to इस रुस्तम का होगा और फिरोज का eventually मुझे लगता है that's going to be the thing. But what I really liked about it is कि फिरोज को आपने दिखाया कि वो एक ऐसे ऐसे घराने से है और वो कहता है मैं रैपर बनूंगा, भाई से कहता है तुम्हें पता ना मैं रैपर बनूंगा, वो जो वो बहुत सारा मोमेंट था ना, वो बहुत मैं आई डिड दैट फ्लिप ओवर हिम आई सेड यस कितना प्यारा किया, वेरी क्यूट, बहुत प्यारा मोमेंट था. सो उसमें और जब वो पहले जब भाई नीचे आता है एंड दे फाइंड आउट अबाउट किसी ने कुछ किया होता है, फिरोज बीच में बिल्कुल इनो खफा हो जाता है और कहते हैं आपने क्यों नहीं उसको खुद का, तो बाप कहता है नहीं कि पानी फेंकने वाला, तो वो कहता है कि नहीं यू मीनिंग आपको फाइट जो है वो सिर्फ अग्रेशन दिखाने के लिए नहीं है, वो यहाँ से आप सोचते हो और अपने आप को आपने एक वैसे काम डाउन रखना होता है, दैट्स व्हाई यू कैन कॉल. आई थॉट दैट वाज वेरी नाइस. लाइंस मैंने लिखी नहीं, आई शुड हैव रिटन द लाइंस, बट वो मुझे बहुत अच्छा लगा. और फिर अम्मा का जो कंसर्न था वो इट इज़ अ जेन्युइन कंसर्न रिगार्डलेस ऑफ वॉट एवर एनी वन सेज, और जो भी आप घराने से आए आपने सुना कि उसने टांग तोड़ दी और समथिंग, अब उसका एक कंसर्न आ गया अम्मा का कि बेटे के पास जाती और कहती कि मत लड़ो, डोंट डू दिस, यू नो शी अपील्स टू हिम, और फिर उनको खुद ख्वाब आता है कि नहीं, और फिर उसको जाके कह. सो आई थॉट दोज अ वेरी नाइस टचिंग मोमेंट्स बिकॉज
इस किस्म की जो मोमेंट्स होती है एक बिलीवेबिलिटी फैक्टर ले आती है ना, अदरवाइज आपकी जो अम्मा है वो कहेंगी नहीं मेरा बहादुर बचाओ मेरा ये पुत्र वुत्र, लेकिन डीप डाउन इनसाइड इट्स लाइक व्हेन यू बिकम अ फाइटर पायलट, एवरी मदर डीप डाउन इनसाइड जो भी है आप किसी कोई भी जंग कर रहे हो डीप डाउन इनसाइड यू आर सो स्केर्ड बिकॉज यू योर सन इज रिस्किंग हिज लाइफ एवरी टाइम ही गोज अप. सो दैट साइड ऑफ इट आई रियली लाइक्ड इन द राइटिंग. I think the meeting दोनों की ज़रा फिल्मी थी, उसकी मीटिंग मुझे ज़्यादा अच्छी लगी काशिफ की और बहन की, वो बहुत क्यूट था एंड यू नो दोनों के आपस में और उनकी आपस में एकदम से मुझे केमिस्ट्री नजर आई. करेक्ट माइनस दी लेंजेस, सोनिया से ज़्यादा अच्छा उसके साथ लग रहा था. लंग्स आई नो बट आई विश काशिफ हैडंट गॉन फॉर द lenses. But overall, I think. So writing के number. हाँ, writing के number ये हैं कि confused हूँ अभी भी ये वाला है कि because I don't like one another. But I would say 7. Very good job. Nadia. पहलवान के अंदर एक grace दिखाई है कि जी पहलवान खानदानी होते हैं और उनके अंदर एक class होती है. उसने कहा ना कि पहलवान ऐसे सड़कों पे नहीं लड़ते झगड़ते रहते सिर्फ अखाड़े में. तो वो बड़ा अच्छा था माँ का ये कहना कि पहले पहलवानों की लड़ाई पहलवानों से होती थी अब गुंडे से है. तो दैट्स व्हाई शी इज़ वेरी कंसर्न. ये तो अच्छी बातें हो गई, ज़्यादातर अच्छी ही थी, लेकिन दो मुझे चीज़ें समझ नहीं आई. एक तो ये कि सोनिया रुस्तम के साथ बैठी है, रुस्तम उसको प्रपोज, माँ ने कहा ना कि फिर प्रपोज कर दो बात कर लो जो भी अपने बाप को बता दो. माँ ने ग्रीन सिग्नल दिया, रुस्तम ने सोनिया से कहा, सोनिया ने एकदम क्लियर मना कर दिया कि हम सिर्फ फ्रेंड्स हैं, इतनी जल्दी की क्या ज़रूरत है. मैं अभी इस तरह से नहीं सोचा, कुछ इसी तरह की लाइन से कि तो उसने ऑफ कर दिया कि ऐसा मत सोचो, अभी ऐसा कुछ नहीं है. ठीक है, राइट, हो गई बात, ख़त्म हो गई बात. मैंने कहा बड़ा अच्छा हुआ है. अगले सीन में ये तुमने क्या कपड़े पहने, ऐसे कपड़े ना पहनो, मैं चाहता हूँ तुम देसी कपड़े पहनो ताकि मेरे माँ बाप तुम्हें ब्राइड के रूप में देख सकें, एक्सेप्ट कर सकें, दुल्हन के रूप, हाँ बहू के रूप में देख सकें. तब सोनिया नॉर्मल है, हालांकि एक सीन पहले कह रही है मैं ऐसे वैसा कोई मेरा इरादा नहीं है, ऐसे मत सोचना. तो अगले सीन में वो उसे कह रहा है कि भाई वो तुम्हें बहू एक्सेप्ट कर सके, वो आई तो नहीं कपड़ों में. हाँ अच्छा, फिर वो आई पेंट शर्ट में. हाँ. उसी घर में. तब रुस्तम को बुरा नहीं लगा. अब आठवें सीन में उसको लग रहा है यार ये कपड़े ठीक नहीं तुम्हारे. हाँ. मेरे घर आई भी हो तो तुम दूसरे कपड़े पहन लो, शायद उसने सही मेले पे जाने के लिए. आई डोंट अंडरस्टैंड, आई थिंक हिज लेंस वर नॉट करेक्ट. लेंस का मसला, पहले उसको कह रहा है, वो कह रही है हमारे अंदर ऐसी कोई बात नहीं. अगले सीन में वो कह रहा है तुम मेरे माँ बाप तुम्हें बहू के तौर पे देखे. वो नोट नहीं किया कि जो उसके सामने सोनिया के सामने फाइट होती है, सब कुछ होता है. कौन सी फाइट? जो उस लड़के को मारता है वो, जिसने हाथ पकड़ा था, हाथ पकड़ा था सोनिया का, तो ये मारता है जाके आकाशी. उसके बाद ये काशिफ बॉक्सिंग कर रहा उधर. हाँ. बात है फिर उस उधर वो डायलॉग उसका है, कहती कि वो मुझे बताया कुछ लोगों ने कि तुमने तो उसका नाक ही तोड़ दी. हाँ. अरे तुम्हारे सामने तो फाइट हुई थी. एग्जैक्टली, यू वर देयर. वो किसी और ट्रांस में थी. अच्छा अगली बात, इतनी बड़ी कुश्ती हो रही है, साल में एक दफा होती है ये तकरीबन. हाँ, जो मुकाबला होता है साल में एक दफा मेला लगता है, एक दफा कुश्ती होती है. पूरा साल बाप भाई माँ तैयारी करते हैं कि भाई को लड़ाना है, सुल्तान और दस्तगीर की कुश्ती, सुल्तान और दस्तगीर की कुश्ती, सबको पता है, सब टेंस हैं. आई एम श्योर छोटे मैचेस होते होंगे एंड फाइनल. नहीं, ये फाइनल है, वो ही ना कि दिस इज अ वेरी वेरी बिग इवेंट. सब टेंस है, सब परेशान है, नींदें खो गई है, पक्की बात, एक ही घर में सब रह रहे हैं. तो फिर जज साहब, तो फिर जज साहब जब सरा घर आती है और बहन से कहती है तैयार हो रही हूँ, तुम बड़ी प्यारी लग रही हो, हाँ तुम्हें पता है ना आज सुल्तान की कुश्ती. हाँ. है दस्तगीर के साथ. अच्छा, क्या बहन कह रही है? जी बहन. हाँ. कह रही है, बहन कह रही है अच्छा इसलिए तैयार हो रही हो, उसको पता ही नहीं भाई की कुश्ती है, वो किस दुनिया में है. That's a huge flaw. वो कौन सा नींद की गोली खा के सो रही है. अच्छा हैरानी है, उसका अच्छा तुम इसलिए. नहीं 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 नहीं, उसका बिल्कुल ये था कि अच्छा 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 आज कुश्ती. उससे भी ज्यादा हैरत की एक बात है. She was surprised. वो पिछले सीन में भी इतनी तैयार थी, तो इस दफा को इसको हैरत हुई. This is abnormal. सरा तो वो नॉर्मल उसमें बनी हुई है. पिछले सीन में भी ऐसे ही चोटी जिसमें मारी थी उसने उसके मुंह पे सुल्तान के. तो मुझे नहीं समझ आया क्यों सुल्तान को मारी थी ना, लेकिन तैयार तो उसे कमरे से निकल के आती है ना. तैयार तो नहीं नहीं, तैयार अगले दिन का है. तो लेकिन बहन को नहीं याद, नहीं पता कि आज भाई की कुश्ती है बाय द वे. अच्छा लेकिन मुझे अच्छा लगा राइटर ने ये जो ट्विन वाला एक रखा है ना उसमें कि बहन भाई हैं, ट्विन्स हैं और उनमें एक बहुत प्यार और अंडरस्टैंडिंग है, वो बड़ा अच्छा टच है. आई लाइक दैट. नंबर्स राइटर की अच्छी, अच्छा जा रहा है ड्रामा और इस थीम का और सब पे लिखना. 7. तो राइटिंग इज वही इमोजीज की तरह ना कंफ्यूजिंग है, अच्छी भी लग रही है और गड़बड़ भी लग रही है. अब ये नहीं समझ आ रहा कि जहाँ
अच्छी लग रही है, क्या वहाँ एक्टर्स संभाल रहे हैं अपने अपने जुमलों को, ठीक कर रहे हैं? क्योंकि जहाँ अच्छी लग रही है वो जगह हैं जहाँ वसीम साहब हैं, जहाँ फिरोज़ हैं, जहाँ नज़र है, और जहाँ अच्छी नहीं लग रही शहर पूरा का पूरा शहर वालों का माँ बेटे का टाइप ऑफ सीन्स. सो आई एम जस्ट थिंकिंग व्हाट इज़ गोइंग रॉन्ग. फॉर नाउ आई थिंक आई विल गिव द राइटिंग 5 एंड आई होप इट गेट्स बेटर. Okay, जो आप आपके वोट से नंबर वन बन सकता है आपका फेवरेट स्टार. YouTube पर जाकर लिखें क्या ड्रामा है और YouTube चैनल आपके सामने होगा. कम्युनिटी के ऑप्शन को प्रेस करें और जिसे चाहें वोट दें. हर हफ्ते की शाम 6 बजे पब्लिक पोल की ऑप्शन एक्टिव कर दी जाएगी और बुध शाम 6 बजे वोटिंग का अमल रोक दिया जाएगा. ऑडियंस ने वोट कास्ट किए 12,000 राइटिंग की कैटेगरी में और अखाड़ा ड्रामे के हिस्से में आए हैं 600 968% बनते हैं 0.8 मिलियन. नॉट बैड स्टार्टिंग के लिहाज से तो बहुत अच्छा है. अब जी डायरेक्शन की बात कर लीजिए और डायरेक्टर हैं अंजुम शहजाद. I think direction is exactly the same as the writing, as exactly. the feeling we have. वरना वो फिक्स हो गई होती जगह. वो सारी जगह जो जिसके बारे में रुबीना ने बात की, नादिया ने बात की, they can all be fixed. All of these things can be fixed because एक flow आनी चाहिए. वो flow नहीं आ रही इसमें. That's why there's no wow factor in it. मुझे सोनिया के कपड़ों पे भी थोड़ा सा एतराज़ है. I mean like I don't know why, but why we insist on wearing Western clothes? Because you can wear normal clothes in. I just don't like her whole look. It's not appealing to me, and obviously, it must be appealing to the director. So it's okay. Makeup is also okay. 2024 नहीं लग रहा. हाँ. 2024. हाँ. It's a little what you may call it. But where direction has come in place and I'm sure also very difficult to shoot all the wrestling scenes. Wo sare Waseem saab ke ghar ke jitne scenes the, those were very nicely shot. I think the banter between the brother and sister was very nice. Makeup thoda sa control ho sakta tha. I think behen ka makeup bilkul sahi hai. She's not over at all at any point. Except for the latte. लटे बहन की भी लटे काफी सारी. हाँ वो मैंने शायद मे बी आई वाज हाफ एस्लीप व्हाइल वाचिंग. आई शुडन्ट बी बट सॉरी. हाँ बट इट्स अ मिक्स्ड फीलिंग बिकॉज आई थिंक वेयर यू हैव डन सच अ गुड जॉब इन अ सर्टेन एरिया. इवन द मेला पार्ट वाज हैंडल्ड वेरी वेल बिकॉज ऑब्वियसली देयर वाज नो रियल मेला एंड बट द वे ही शॉट इट एंड द वे ही क्या कहते हैं pretended that certain areas were part of the mela. I think all of that is very good. Characters are good. I'm enjoying Sultan and the whole the wrestling part is really nice. Numbers. So I would say I've given the writing 7 whereas I feel maybe I should take one away but I think actually both of them deserve a 6 actually. But ठीक है 7 दे दिया 6. 6 good job Nadia. अंजुम शहजाद का ध्यान लड़कों के गेटअप पे है जो कि बहुत अच्छे हुए हैं. लड़कियों के मेकअप पे नहीं है. लड़कियों के मैं कहूँगी लड़कियों के मेकअप पे ध्यान नहीं है. तो वो लड़कियों को उसने इतनी इग्नोर क्यों कर दिया कि कितना मेकअप कर रही हैं, कैसा स्क्रीन पे आएगा, मेरे कैरेक्टर के ऊपर सूट नहीं कर रहा, मेरे कैरेक्टर के लिए टू मच है. यहाँ केयरलेस हो गया. यहाँ नहीं उसने देखा बिकॉज आई थिंक दूसरी तरफ ध्यान ज़्यादा था. बट ही शुड हैव. तो वो ड्रामे की ना वो जो एक रियलिटी सी लग रही होती है ना उससे ले जाता है उसको. उनको देख के खास तौर पर रुस्तम की माँ कि इतना मेकअप है यार किस खुशी में क्यों. शूट वाइज लोकेशंस हैं, आउटडोर हैं, मेहनत की है अंजुम ने और उसका स्टाइल भी है, मेहनत करता है. फर्स्ट एंड सेकंड एपिसोड जो मैंने बाकी ड्रामों के देखे ना उनके मुकाबले में ये बेहतर है. ये ड्रामा फर्स्ट से ही इंटरेस्टिंग है, सेकेंड से ही मज़े का है. बाकी अच्छे ड्रामे फिफ्थ सिक्स में जाके मैंने तो बहुत देर बाद पिकअप किया था तो ये शुरू में ही है काफी. इसको ये एक तो आपके ख्याल है मैंने पिक कर लिया. मैं उड़ा यार वो तो बहुत ऊपर चला गया. वो तो हमारे सर से ऊपर उड़ा है. इट्स सो वो तो पिक्ड अप फ्लोन एंड गॉन. लेकिन ये वाला बाकी बाकी ड्रामों के निस्बत फर्स्ट सेकंड से इंटरेस्टिंग है व्हिच इज अ गुड थिंग. तो 7 फॉर नाउ. 7 फॉर डायरेक्शन. रवीना जी
देखो आधे नंबर तो शहर में ही कट गए क्योंकि वो लड़का भागा तो बहुत अच्छा, इधर से कूदा उधर नीचे से डाइव मारी, एक लड़की का ड्रिंक गिराया, तकरीबन स्वेल हुआ, वो ज़रा सा अंडरडन था मगर किया, मगर जब वो फाइट में आया तो फाइट नहीं मज़े की बनी। उसने दो तीन नीचे लटा के जो मुक्के मारे वो कन्विंसिंग थे, बट जो मास्टर शॉट्स थे वो नहीं थे इंटरेस्टिंग। देन दिस होल एपिसोड और टू एपिसोड्स वर अबाउट एक दंगल जो होने जा रहा है, और हमने दो फिल्में तो कम अज़ कम ऐसी देखी हैं। दंगल तो खैर रेसलिंग के बारे में थी, वो जो सलमान खान वाली थी उसमें भी सुल्तान। सो और एंड वी हैव सीन कुश्ती पार एक्सेलेंस, द कुश्ती दैट स्टार्टेड हैड अ मिड एंड हैड अ क्लाइमैक्स, है ना। तो कोई भी गेम होती है जब, तो उसका बिल्डअप होता है, उसकी बिगिनिंग होती है, उसका मिडल होता है, उसका एंड होता है, और आप उसको प्रोलोंग करते हैं, और उसको प्रोलोंग एवें ही नहीं करते, विद रियली ग्रेट शॉट्स करते हैं। दिस कुश्ती केम एंड जस्ट फास्ट फॉरवर्ड में वेंट। सो जब आप दो एपिसोड्स किसी एक चीज़ के बारे में, तैयारी बहुत अच्छी थी अखाड़े में, बाप का प्रेप कराना उसको, दूसरे पहलवान का फाइट आउट करी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, पहले है ना वहाँ पे दूसरे पहलवान को का प्रेप हो रहा है, उनकी बॉडीज बेहतरीन बन गई हैं, लग रही हैं, वो लग रहे हैं दोनों पहलवान, और फिर वो कुश्ती आती है, और वो उससे पहले एक हालांकि बिल्डअप का मोमेंट था, एक पहली कुश्ती उसको भी मज़े का होना चाहिए था, कोई कुश्ती का सीन पूरा का पूरा उठा के उसको रेप्लिकेट कर लेते, सो बन जाता, बट बात नहीं बनी। बाकी छोटी मोटी जगह जितनी हमने मेंशन की, जहां जहां गलती राइटिंग की भी, अच्छा शूट ना हो उन्होंने कहा कि इतना ही लगा दो, सी वो भी ना, हालांकि आसानी से कुश्ती डायरेक्टर्स मिल जाते हैं, यहाँ तो कुश्ती की जाती है। मैं बहुत अरसे से ये बात कह रही हूँ कि अब हमें ना फाइट सीक्वेंस के लिए डायरेक्टर्स चाहिए, फाइट डायरेक्टर्स, फाइट इंस्ट्रक्टर्स, जैसे कि फिल्मों में होता है। अब हमारा टीवी हमारी फिल्म के बराबर का मीडियम है, इसको अब वो फैसिलिटीज़, वो एक्सपर्टीज चाहिए है जो सीन मांगता है। अगर आपने कह दिया ना कि आपने एक ड्रामा बनाया है जो कुश्ती पे बेस्ड है, तो फिर आपको बेस्ट एक्सपर्टीज चाहिए है कुश्ती के सीन को बनाने के लिए। बाकी सब तो आप बना लेंगे, हमें पता है आप बना लेंगे, लेकिन वो एक सीन पिविटल पॉइंट था। जैसे कि अभी आपने कहा ना सुल्तान, जो एक फिल्म हमने देखी थी, जब कुश्ती आती थी तो हम पलक भी नहीं हम झपक पाते थे, और हम देख रहे हैं ना दुनिया में वो सारा कुछ, तो अब आप हमें ये नहीं बता सकते कि भाई ये ठीक है, आपको ये अच्छा लगेगा, नहीं लगा ना, नहीं लगा। तो नंबर्स कितने हैं? पांच। पांच, ओके, जॉब आपके अवार्ड से नंबर वन बन सकता है आपका फेवरेट स्टार। YouTube पर जाकर लिखें क्या ड्रामा है और YouTube चैनल आपके सामने होगा। कम्युनिटी के ऑप्शन को प्रेस करें और जिसे चाहें वोट दें। हर हफ्ते की शाम 6 बजे पब्लिक पोल की ऑप्शन एक्टिव कर दी जाएगी और बुध शाम 6 बजे वोटिंग का अमल रोक दिया जाएगा। ऑडियंस ने वोट कास्ट किए हैं जी 12,700 डायरेक्शन कैटेगरी में, और अंजुम शहजाद के हिस्से में ड्रामा सीरियल अखाड़ा से 889.7% बनते हैं, 0.7 मिले हैं इनको। आई थिंक फर्स्ट टू एपिसोड के लिहाज से ठीक है। अब बात कर ली जाए फीमेल एक्टर की, सोनिया हुसैन हैज नॉट इम्प्रेस्ड, नॉट एट ऑल। लाइक आई सेड, द शहर का जो पूरा साइड, इवन दो आई नो काशिफ इज अ वेरी गुड एक्टर, आई नो सोनिया इज अ वेरी गुड एक्ट्रेस, बट देयर वाज समथिंग ऑफ अबाउट दैट साइड, दोज दैट बैंड ऑफ एक्टर्स ऑफ समथिंग ऑफ, आई डोंट नो वट इट इज़। आई एम होपिंग कि आगे जाके होगा, लेकिन अभी इट आई वुड से 5 हैवंट इम्प्रेस्ड मी एट ऑल। 5 नॉट इम्प्रेस्ड मी। नादिया, नो इम्पैक्ट सो फार, कि मैं कहूँ ये डायलॉग, ये सीन, ये शॉट, ओह अभी तक नहीं, तो आई थिंक आगे आएगा काम। फॉर नाउ 5। इन फैक्ट जो सीन्स शूट हुए उसके अच्छे नहीं हुए, सोनिया को वेस्ट किया उसने, अच्छे नहीं शूट किए, प्लस स्टाइलिस्ट की बहुत ज़रूरत थी इस ड्रामे में, लड़कियों के कपड़ों के लिए स्टाइलिस्ट होना मस्त था, तो वार्डरोब भी गड़बड़ है बहुत ज़्यादा। हाँ, 5 ओके जॉब। रुबीना जी, आई एम जस्ट थिंकिंग के जैसे मैं एंड आई एम हैप्पी आई
एट अ प्लेस वेयर आई कैन से दिस. हम कहते थे प्लेज इन द टाइम ऑफ काबली पुलाव, है ना. नाउ दीज आर द प्लेज इन टाइम्स ऑफ खाई. सो बार बहुत रेस कर दिया है खाई के सारे एक्टर्स ने. ऑल दो उसमें से भी हमने पॉइंट आउट किया एक बच्चे को जो कि बहुत बड़ी और प्यारी जगह में पूरा नहीं उतर पा रहा. सो यहाँ पे मैंने जो जिन तीन मेल एक्टर्स का नाम लिया है उनके अलावा कोई भी इम्प्रेसिव नहीं था. नन ऑफ द फीमेल्स. आई थिंक ऑल द गर्ल्स वर ओवरली मेड अप. उन सब लड़कियों का ध्यान अपनी परफॉर्मेंस से ज़्यादा ज़रा ज़्यादा चुलबुला एक्ट करना, ज़रा ज़्यादा एक्ट करना था. एंड दे वेंट रियल, दे नन ऑफ देम, राइट फ्रॉम सोनिया डाउन टू द टू. घर वाली बच्ची फिर भी बेहतर थी, है ना, जिनका नाम आपने कहा, फिर भी बेहतर थी सवाई रिंगलेट्स के. आई डोंट नो व्हाट दे कॉल देम नाउ, हमारे ज़माने में इनको रिंगलेट्स ही कहते थे. मगर दूसरी बच्ची का भी मेकअप भी बहुत ज़्यादा था. अगर तुमने अभी इतना मेकअप किया तो शादी पे कितना मेकअप करोगी बेटे, आग लगा दो. शादी पे तो तुम क्लाउन मेकअप करना पड़ेगा तुम्हें. सो आई थिंक नन ऑफ द फीमेल्स इन दिस प्ले वर एबल टू इम्प्रेस मी. सोनिया फॉर मी इज ऑल्सो फाइव. फाइव, ओके. जॉब आपके अवार्ड से नंबर वन बन सकता है आपका फेवरेट स्टार. YouTube पर जाकर लिखें क्या ड्रामा है और YouTube चैनल आपके सामने होगा. कम्युनिटी के ऑप्शन को प्रेस करें और जिसे चाहें वोट दें. हर हफ्ते की शाम 6 बजे पब्लिक पोल की ऑप्शन एक्टिव कर दी जाएगी और बुध शाम 6 बजे वोटिंग का अमल रोक दिया जाएगा. ऑडियंस ने वोट कास्ट किए 12,000 फीमेल कैटेगरी में और सोनिया हुसैन के हिस्से में आए हैं. ड्रामा सीरियल अखाड़ा से 726% बनते हैं, 0.6 मिले हैं सोनिया हुसैन को. और अब बात कर ली जाए मेल एक्टर की और फरोज खान / फराज फारूकी. फराज फारूकी इज द ब्रदर, यस, सुल्तान. सो आई थिंक ही इज नो, आई एम सेइंग फरोज खान, मीनिंग इन द सेंस के व्हिच वन डू यू प्रेफर, फर्स्ट के फिर, बट डेफिनेटली अ मेंशन टू द ब्रदर. आई थिंक सुल्तान हैज डन अ वेरी गुड जॉब. आई थिंक ही इज been chosen. I don't know whether he's made his body for this performance or already he's, I think, you know, he has, huh? So because shuru mein to I didn't even recognize the boy and I you know, I think I worked with one of his, I don't know whether I worked with him or his brother because they're twins. But definite mention about him and I think good role and he's doing it well. Ek bholapan hai usme. Firoz on the other hand also I think you know, for your first entry in a drama serial to come down looking, you know, banyan and a loose thing, and, you know, your hair all over the place. You know, straight away you know what kind of a character he is, and I thought that was really nice. और उसका character lazy है, वो पहलवान वाली चीज़ें नहीं खाना चाहता, उसको omelette अंडे चाहिए, उसने बनना ही नहीं है, तो you know he's not interested in it. And I think again. For the first two episodes, characters as such, we know. इसका तो हमें पता है कि ये rapper बनना चाह रहा है, लेकिन उसके अलावा हमें कुछ information नहीं है. हाँ, गुस्से का है, ये है, गुस्से का है. And like I think Rubina said or Nadia said that I hope they don't kill Sultan because इसको eventually बनना होगा wrestler. Oh. I'm thinking. I just hope nothing happens to Sultan because. नहीं, हाँ? लेके उधर जा रहे हैं ना, हाँ, की कसम भी वहाँ लेके जा रही है इस बात को, हाँ. और इसका गुस्सा भी वहीं लेके जा रहा है, अल्लाह ना करे. सो एनीवे लेट्स सी वेयर इट गोज, बट आई विल गिव फिरोज अ 7. आई थिंक ही डिड अ ही इज यू नो ही इज गुड. आई थिंक ही इज नेवर फेल्ड. वेरी गुड जॉब नादिया. डायरेक्टर ने स्पॉटलाइट ही फराज के ऊपर रखी है पहले दो एपिसोड्स में, और ये बड़ा ये इंटेलिजेंट मूव है कि हीरो तो मेरा बाद में नजर आ जाएगा लेकिन मैं पहले अपने पहलवान को, क्योंकि स्टोरी पहलवानी के इर्द गिर्द घूमती है, उसको मैं स्पॉटलाइट में रखूं, तो बड़ी अच्छी बात है. इसलिए वो नज़र आया. और फराज का काम अमेजिंग है, याद रखने वाला है. तो अगर फराज के होते हैं उसको तो मैंने 9 देने थे, बता रही हूँ. बहुत अच्छा काम था और वो लग इतना अच्छा रहा है, शूट बहुत अच्छा हुआ. क्योंकि लेकिन अभी हम फिरोज़ की बात करें तो इन दो एपिसोड में फिरोज़ फराज से भी पीछे है, और वो शायद इंटेंशनली भी है डायरेक्टर का कि उस पर स्पॉटलाइट रहे.
फिरोज घर में जब डायलॉग्स बोल रहा है, एक्टिंग कर रहा है, अच्छा लग रहा है, मज़े का लग रहा है बहन के साथ ये, जब दोस्त के साथ है ना उधर मेले में, मुझे वहाँ उसका एक्सेंट आउट लग रहा था दो सीन्स में, कि यहाँ वो मज़े की डायलॉग डिलीवरी वैसे नहीं हो रही, बट घर में जब मैंने याद किया घर में ठीक था। तो उधर है अभी फिर वो फॉल इम्पैक्ट नहीं आ रहा, हाथ भी कटा है, तो उसके बाद अभी नहीं अभी इसका आगे काम आएगा, द इम्प्रेसिव वन। सो फॉर नाउ सिक्स। गुड जॉब रवीना जी। पहले सीन से ही इज प्रूविंग टू बी द एक्टर दैट ही इज, जिसमें वो नीचे आ रहा है और माँ बाप अपनी पुरानी बातें कर रहे हैं ना, थोड़ी सी लव टॉक कर रहे हैं, थोड़ा सा मुझे लगा डायरेक्टर ने उसको जल्दी भेज दिया है और वो हल्का सा पीछे रह जाता या रुक जाता और थोड़ी देर में आ जाता, बट ठीक था। मगर उसके बाद से जितनी जगह थी जो उसने ली, जिसमें वो नाश्ते का एलिमेंट था देसी घी और फिर ही सैड नहीं ऑमलेट और बहन का उसको लेके निकलना, वो एक छोटा भाई पैम्पर्ड लगा, फिर उसका कमरे में बंद होना और निकल जाना, और ये दिखाना कि गुस्सा उसका तेज़ है, उसने वो जगह बहुत अच्छी कैप्चर की और पता चला कि हाँ ये वो लड़का है जो कभी कुछ गलत हुआ इसके भाई के साथ तो ये खड़ा हो जाएगा। सो वो जगह उसने हार्ड हिट रजिस्टर कराई। एंड जो लास्ट नेल इन द कॉफिन था, यानी कि बेस्ट पॉइंट था, वो था जहाँ वो भाई आखिर में आया है और वो अपनी पट्टी के साथ बैठा हुआ और वो कहता है कि तुम ट्रेनिंग करना शुरू करो क्योंकि तुमको भी एक दिन यही बनना है, और वो कहता है कि मैं तो रैपर हूँ और इतने प्यारे तरीके से बहुत कहा, उसके बाद उसने यूं किया वो एक्शन। ये एक्शन कोई डायरेक्टर किसी को नहीं बताता, हाँ। ये एक्टर है। सो एवरीथिंग दैट फिरोज डिड थ्रू आउट वॉज फिरोज हिमसेल्फ। मेरा नहीं ख्याल कि उसको कोई भी डायरेक्शन मिली थी, वो खुद ही अपने सीन लेके चल रहा था। जैसे मैंने कहा कि जो जो एक्टर्स अपने सीन लेके चल रहे थे, सिर्फ एक जगह मुझे थोड़ी सी डायरेक्टर से और शिकायत हुई, क्योंकि मुझे पता था कि ये आखिरी सीन है जब नज़र आया है और फ्रीज होने वाला था, क्योंकि ड्यूरेशन ख़त्म हो चुकी थी रेड लाइट मार्क जो था वो एंड पे था, और वो सोच रहा है कि उसको किस तरह दूसरे पहलवान ने बुरा भला कहा था। तो मेरे हिसाब से टेबल टूटनी चाहिए थी, शीशा उड़ना चाहिए था, और खैर ये मेरा अपना एक बट और ड्रामेटिक हो सकता था, हाँ और ड्रामेटिक हो सकता था फॉर अ फ्रीज। फिरोज के नंबर, फिरोज के साथ तो कम अज कम है बट आगे बढ़ने चाहिए, बिल्कुल बढ़ेंगे भी। सेवन, वेरी गुड जॉब। आपके वोट से नंबर वन बन सकता है आपका फेवरेट स्टार। YouTube पर जाकर लिखें क्या ड्रामा है और YouTube चैनल आपके सामने होगा। कम्युनिटी के ऑप्शन को प्रेस करें और जिसे चाहें वोट दें। हर हफ्ते की शाम 6 बजे पब्लिक पोल की ऑप्शन एक्टिव कर दी जाएगी और बुध शाम 6 बजे वोटिंग का अमल रोक दिया जाएगा। ऑडियंस जो वोट कास्ट किए हैं मेल कैटेगरी में वो 14,100 किए हैं, और फिरोज खान के हिस्से में आए हैं ड्रामा से लखाड़ा से 846.6% मिले, 0.6 मिले। ऑलराइट, so let's see where he goes from now। शुरू की दो एपिसोड में इतना काम नहीं था तो लोगों ने इतना ज्यादा अप्रिशिएट नहीं किया अभी तक। तो जी ये मुकम्मल हुआ हमारा रिव्यू ड्रामा सी लखाड़ा का।